यूपी विधानसभा चुनाव में बेहद शर्मनाक हार के बाद पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने हमलों का अब रुख समाजवादी पार्टी की ओर मोड़ दिया है। दरअसल भाजपा की बड़ी जीत के बाद बसपा पर ये आरोप लगने लगे थे कि मायावती ने भाजपा के साथ छिपे तौर पर गठजोड़ किया था और यही वजह थी कि मायावती ने चुनाव में ढंग से प्रचार नहीं किया। वहीं इन आरोपों पर अब मायावती ने पलटवार किया है और सपा पर भाजपा के साथ मिले होने का आरोप लगाया है। हाथी की हार पर मायावती का बड़ा आरोप। भाजपा बसपा गठजोड़ के आरोपों पर मायावती का पलटवार। सपा पर लगाया भाजपा से मिले होने का आरोप। इशारों इशारों में मुलायम सिंह यादव की बहू पर साधा निशाना। नाम बदलने को लेकर अखिलेश यादव पर कसा तंज। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की शर्मनाक हार के बाद समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट कर सपा पर आरोपों की झड़ी लगा दी और भाजपा के साथ बसपा के नहीं बल्कि सपा के मिले होने का आरोप लगा दिया। दरअसल मायावती पर विधानसभा चुनाव के बाद से ये आरोप लग रहे थे कि उन्होंने भाजपा से मिले होने की वजह से ही विधानसभा चुनाव ढंग से नहीं लड़ा, जिसकी वजह से बसपा के कोर वोटर भाजपा की ओर मुड़ गए और भाजपा को इसका सीधा फायदा चुनाव में मिला। लेकिन अब मायावती ने इसे लेकर पलटवार किया है और चुभते हुए ट्वीट के जरिए सपा पर हमला बोला है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी से बीएसपी नहीं बल्कि सपा संरक्षक श्री मुलायम सिंह खुलकर मिले हैं, जिन्होंने बीजेपी के पिछले हुए शपथ में श्री अखिलेश को बीजेपी से आशीर्वाद भी दिलाया है और अब अपने काम के लिए एक सदस्य को बीजेपी में भेज दिया है, ये जग जाहिर है। मायावती ने ट्वीट के जरिए किए गए हमले में योगी सरकार के पिछले शपथ ग्रहण समारोह का भी जिक्र किया, जिसमें सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने हिस्सा लिया था। इन्हीं तस्वीरों को आधार बनाकर मायावती ने सपा पर भाजपा से मिले होने का आरोप मढ़ा है।